हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ NTR 30, यानी जूनियर NTR की 30th मूवी फ्यूरी, या फ्यूरी ऑफ NTR 30। तो ये हिंदी में आया है, मतलब उनकी जो 30th मूवी है उसकी अनाउंसमेंट है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है कोर्तला सिवा सर ने। और इतना तो गाइज मुझे पता है कि जो कोर्तला सिवा सर है और जो जूनियर NTR है, उनकी जो प्रीवियस मूवी जो साथ में थी वो थी जनता गैराज, और बहुत ही सुपर मूवी थी गाइज। मतलब इमोशन वाइज, स्टोरी वाइज, एक्शन वाइज आपको मतलब पकड़ के रखती है और एंड तक आपको मतलब छोड़ती नहीं है गाइज मूवी। और बहुत सही में बहुत ज़बरदस्त मूवी है। तो अब ये दोनों वापस साथ में आए हैं और क्या धमाका होने वाला है, क्योंकि हमें पता है जैसे कि जूनियर NTR की जो प्रीवियस मूवी है RRR, वो एक बहुत ही बड़ी सक्सेस हुई है ऑल ओवर इंडिया। तो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में जूनियर NTR के मूवी का वेट हो रहा है गाइज। और उनकी जो ये मूवी होने वाली है, ऑब्वियसली ये एक पैन इंडिया मूवी होगी और हर एक इंसान वेट कर रहा है उनकी मूवी का, क्योंकि मुझे लगता है कि अब साउथ तो है ही, मतलब साउथ में उनके फैंस तो है ही, लेकिन अब उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग नॉर्थ में भी आ गई है जो उनकी मूवी का वेट कर रही है। और अब देखना पड़ेगा गाइज, क्योंकि दोनों जो एक्टर डायरेक्टर जो ड्यूओ है, जो NTR और जो कोर्तला सिवा सर है, उनकी जो प्रीवियस मूवी ऑब्वियसली जो जनता गैराज जो इतनी अच्छी हिट हुई है और नॉर्थ में भी बहुत देखी गई है, क्योंकि मैंने खुद टेलीविजन पे देखी है और मुझे बहुत पसंद आई है। और अनिरुद्ध का म्यूज़िक भी है इसके अंदर, तो यार ये चीज़ भी देखने लायक होगी। तो बिना किसी देरी के यार देख लेते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है मूवी के अंदर। ग्लिम्स तो थोड़ा बहुत दे ही देंगे ये लोग। कभी कभी हौसले को यह समझ नहीं आता कि उसे मोशन आर्ट है पूरा पार नहीं करनी चाहिए, तब खौफ समझ जाता है कि उसके आने का वक्त आ गया है। इसमें भी वो वाटर एलिमेंट है क्या अभी भी, कि पानी में ही दिखा रहे हैं? यार स्कोर देखो यार, आ रहा हूं मैं। पायरेट वाला लग रहा है। ओहो बीट, कोई नाम नहीं दिया गया, ये बस फ्यूरी ऑफ NTR 30 बोला गया, लेकिन आई थिंक कोई नाम नहीं आया है अभी सामने। हैप्पी बर्थडे, आई थिंक कोई नाम नहीं आया है सामने, सिर्फ बताया गया कि जो उनकी मूवी है उसको ये लोग बस मोशन पोस्टर है एक तरीके से, और जो कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा बहुत कि इनका जो कैरेक्टर होने वाला है वो बहुत दमदार होने वाला है, बस इतना बताया है इन्होंने इस छोटे से मोशन पोस्टर के अंदर। यार एक चीज़ है ना मेरे को जो बहुत अच्छी लगती है जो साउथ इंडियन मूवीज़ की है, वो ये है कि यार इनको पता है कि अपनी मूवी का हाइप कैसे बनाना है, जो आई थिंक मेरे ख्याल से जो नॉर्थ में जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना उनको नहीं बताइए, हिंदी मूवी इंडस्ट्री अगर कहे तो इनके पास आई थिंक अभी फ़िलहाल ये ऐसा नहीं कर रहे कि यार हाइप कैसे बनाई जाए। यह हमने देखा RRR के साथ, KGF 2 के साथ, और जो भी मूवी रिलीज़ हो रही है उसकी हाइप ये लोग किस तरीके से बनाते हैं, चाहे वो आप प्रभास की आप प्रीवियस मूवी लीजिए राधेश्याम, उसकी हाइप किस तरीके से बनाई गई थी, भले वो वर्क नहीं की हो लेकिन हाइप बनाना इनको आता है। क्योंकि यार सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है ना कि यार एटलीस्ट हाइप तो बनाओ, उसके बाद देखा जाएगा कि यार मूवी कैसे निकलती है। बट अगर आप उतनी हाइप क्रिएट नहीं कर रहे और अगर मूवी अच्छी हुई तो आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगी, ये ऐसा नहीं करते। इनको पता है कि हाइप किस तरीके से बनाई जाती है। आप स्टार्टिंग से ले लो, चाहे वो पहला पोस्टर रिलीज़ हो या उसके बाद उसके, जैसे ये मोशन पोस्टर रिलीज़ है, उसके बाद धीरे धीरे जब आएगा तो यार ट्रेलर कैसे रिलीज़ करना है, किस तरीके से एक एक करके करते, और जो स्कोर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मुझे लग रहा है। कोई भी आप मूवीज़ देख लो, इस वजह से तो जो साउथ इंडियन मूवीज़ है फिलहाल जितनी भी है उनका स्कोर इतना सुपर्ब होता है और उनका म्यूज़िक इतना अच्छा होता है कि आपको वो बांध के रखता है। इसमें भी ऐसे ही है कि यार जैसे ही जो मोशन पोस्टर शुरू होता है आपको वो म्यूज़िक देखने मिलता है। ऑब्वियसली अनिरुद्ध, आप बोल नहीं सकते कि यार अनिरुद्ध का कोई भी आप म्यूज़िक उठा लो, कोई भी स्कोर उठा लो एक जैसा हो, इतना वैरायटी रखते हैं वो, इतना डिफरेंट होता है उनका हर एक स्कोर और उनका म्यूज़िक, तो यार वो चीज़ तो एक अलग है। और ये चीज़ यानी कि किस तरीके से ऑडियंस को
मतलब जगा देना कि यार कुछ आ रहा है, अब वेट करो, अब बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ये देख के पता चलता है कि जो डायलॉग है क्या होगा यार, एक्साइटमेंट अभी से पैदा कर दी है लोगों में कि यार ऐसा क्या होने वाला है। और जैसे कि मैंने कहा कि जो कोर्तला सिवा सर और जूनियर NTR है, उनकी प्रीवियस मूवी बहुत अच्छी गई है, और कोर्तला सिवा सर तो है ही इतने ज़बरदस्त डायरेक्टर, और NTR तो सुपर एक्टर है ही, अनिरुद्ध इतने सुपर म्यूजिक कंपोजर है, तो और क्या चाहिए आपको, आपको एक बस आप ज़बरदस्त स्टोरी ले आओ, ख़त्म। बस आपने सारे चीज़ आपने कर ली है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी आ गई, एक्शन तो ऑब्वियसली नज़र आ ही रहा है। और एक और चीज़ है RRR में, जैसे ये एक वाटर एलिमेंट की तरह इन्होंने काम किया था, एक है ना वाटर एलिमेंट की तरह थे, यहाँ पे भी वही लग रहा है, क्योंकि अभी भी देखो जैसे कि समुद्र में ही नज़र आ रहे हैं, बोट वोट है, एक पायरेट वाला एक स्कोर था छोटा सा बीच में जो शुरू होता है, और नाव वाव तो है ही, बोट्स तो है ही, तो क्या हमें पायरेट वाली कोई मूवी देखने वाली है, या फिर पानी के ऊपर ज़्यादातर मूवी होगी? यार वो भी बहुत ज़बरदस्त है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी मूवीज़ इतनी अच्छी चली नहीं है आज तक मेरे ख्याल से। तो एक ये, जैसे कि मैंने कहा कि यार एक और चीज़ है कि ये डरते नहीं हैं एक्सपेरिमेंट करने से, कि यार अगर कोई मूवी फेल हो गई है तो भी डरो मत, आप बस ट्राई करो। और यही चीज़ तो है कि ट्राई करते करते इन्होंने जो क्रिएट किया है ना, साउथ इंडस्ट्री ने बाहुबली क्रिएट कर दिया, RRR, KGF, ये सब ट्राई करते करते तो हुआ है। आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, आप कन्नड़ा इंडस्ट्री उठा लो, या फिर तमिल उठा लो, तेलुगु उठा लो, मलयालम उठा लो, एक चीज़ कॉमन है, वो है फियरलेस, कि भाई डरते नहीं है, ट्राई करते हैं, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कि अगर फेल होंगे तो क्या, फेल तो ठीक है, फेल हो गए तो हो गए, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे, लेकिन अगर कर दिखाया तो आपको पता है कि आपकी रीच इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड है, आपकी वर्ल्ड वाइड रीच बढ़ जाएगी, आपकी मूवी जैसे कि कमा जितना रही है उतना, आपको पता है वर्ल्ड वाइड जब कमाती है तो कितना कमाने में, कितना मतलब कितना कमाती है यार, तो वो एक चीज़ हो जाता है। और यार फैंस को एक सेटिस्फेक्शन अलग मिलता है ना, जब आप देखते हो कि यार आपके स्टार की, यार आपके फेवरेट डायरेक्टर हो गए, फेवरेट एक्टर हो गए, उनकी मूवी जब ऑल ओवर वर्ल्ड में चलती है, तो उसका एक अलग क्रेज़ होता है, उसका एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यही मैं चाहता हूँ कि यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो भी सीखे कि यार किस तरीके से आप एक फिल्म की हाइप बनाते हो, और किस तरीके से कोई कैरेक्टर क्रिएट किया जाता है। और ऑब्वियसली मुझे पता है आने वाले टाइम में ऐसी मूवीज़ आएगी, बट ऑब्वियसली अब ओवरऑल इंडियन सिनेमा हो गया है, और आप कोई भी मूवी कहीं से भी एंजॉय कर सकते हो सबटाइटल के साथ, या फिर डबिंग तो आ ही रही है, तो यार ये चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा है। और ऑब्वियसली वेटिंग फॉर दिस मूवी, और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, देखते हैं फुल और फुल ऑन जब ट्रेलर आएगा तो क्या देखने मिलेगा, और NTR का कोई एक अलग ही कुछ कैरेक्टर देखने मिले, एक अलग रोल में देखने मिले ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उनकी एक्टिंग की एबिलिटी तो हम जानते हैं, एक्शन की एबिलिटी भी जानते हैं किस लेवल पे जाते हैं, तो अगर उसको हाइप, उसको एक लेवल ऊपर कर सकता है कोई, ऑब्वियसली कोर्तला सिवा सर कर सकते हैं, इतना तो है हमें, तो देखते हैं गाइस क्या होगा, ट्रेलर जब आएगा तो उसके अंदर क्या होगा। यहाँ पे तो सिर्फ ऑब्वियसली मेरे को लग रहा है कोई एक नाम भी होगा इस मूवी का, फ्यूरी ऑफ NTR 30, क्या यही नाम है यार, आप बता सकते हो मुझे, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ क्या यही नाम है या नहीं है, अगर कोई और नाम होगा वो भी देखेंगे। तो मैंने ये एंजॉय किया गाइस, आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए गाइस, और मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।